एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी बनकर एक रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख रुपए ठग लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक महिला जिसका नाम वेरोनिका मोदी है, अब सरनेम यहाँ पर मोदी ही आता है, उसने इस तरह से चाल चली कि एक रिटायर्ड कर्नल को कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी हूं और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं कि आप सही तरह से कहां पर निवेश करें। और उससे पहले उसने क्या किया कि एक कोमल पांडे नाम की एक लड़की को जो है उसको रिटायर्ड कर्नल के पास भेजा, जो कि उपेंद्र राघव यूपी बलिया जिला का रहने वाला था। उसने उसको उसके पास भेजा और उससे कहा कि आप रिटायर्ड कर्नल को कहना कि मैं नरेंद्र मोदी की भतीजी को अच्छी तरह से जानती हूं और कर्नल साहब अगर आप कहीं पैसे निवेश करना चाहते हैं, कहीं आप पैसे लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं कौन सी शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी में आप पैसा लगाएं, क्योंकि मेरा जो दोस्त है, मेरी जो संपर्क में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी है। तो उसके बाद कर्नल, रिटायर्ड कर्नल जो उपेंद्र राघव थे, वो उस कोमल पांडे की बातों में आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं आप मेरा संपर्क जो है वो आप उनसे करवाएं। और जब वेरोनिका मोदी कर्नल से बात करती है, रिटायर्ड कर्नल उपेंद्र राघव से बात करती है और उसके बाद वो उसे कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सी शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, और जब उपेंद्र राघव उसके कहने पर पैसे जो है वो जमा करवाता है तो वो जमा करवाता है रमेश शर्मा जी के खाते में, जो कि उसी ने कहा था, वो वेरोनिका मोदी ने ही कहा था कि आप रमेश शर्मा जी के खाते में पैसे जमा करवाएं, वो मेरे संपर्क में है, आप उनके खाते में पैसे जमा करवा दें और आपको जो है वो रिसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद जब वो पैसे उनके खाते में 21 लाख रुपए जमा करवाते हैं, जब वो रिसिप्ट मांगते हैं, रिटर्न मांगने की कोशिश करते हैं, तो एक ही बात कहती है वेरोनिका मोदी कि मैं आपको व्हाट्सएप पे चेक भेज रही हूँ। उसके बाद जब वो व्हाट्सएप पे चेक भेजती है तो उपेंद्र राघव रिटायर्ड कर्नल कहते हैं कि मुझे चेक क्या करने हैं, मुझे रिसिप्ट दे दो, मेरा रिटर्न, मेरे पैसे दे दो। तो उसके बाद वेरोनिका मोदी ने जो है वो फोन ही बंद कर दिया, बात सुनना बंद कर दिया और रिटायर्ड कर्नल फोन करते रहे और वो फिर फोन उठाए ना, फिर वो कोशिश करे कि किस तरह से इससे संपर्क हो। तो उसने फिर जाके पुलिस का सहारा लिया कि इस तरह से एक वेरोनिका मोदी जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी कहती है और मेरे से 21 लाख रुपए जो है उसने ठग लिए हैं। उसके बाद पुलिस ने यूपी बलिया पटेल नगर कॉलोनी के रिटायर्ड कर्नल उपेंद्र राघव के कहने पर शिकायत जो है वो वेरोनिका मोदी के अगेंस्ट जो है वो दर्ज की और रमेश शर्मा जिसके खाते में पैसे डाले थे उसकी भी उन्होंने उनके खिलाफ भी जो है आईपीएस की धारा 420 यानी की धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत जो है वो FIR दर्ज कर ली। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस इसकी जो है वो जांच कर रही है, पुलिस अब इसकी पूरी कॉल डिटेल जो है वो खंगाल रही है, किस तरह से कोमल पांडे जो है वो संपर्क करवाती है वेरोनिका मोदी से रिटायर्ड कर्नल का। उसके बाद रिटायर्ड कर्नल वेरोनिका मोदी के कहने पर 21 लाख रुपया जो है वो डाल देते हैं रमेश शर्मा जी के खाते में। उसके बाद जो रिसिप्ट या रिटर्न मांगते हैं तो आगे से जवाब आना जो है वो बंद हो जाता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि एक बाबू जो है वो गुजरात से आए थे, जिन्होंने कहा था कि मैं PM ऑफिस में काम करता हूँ, वो जम्मू कश्मीर में आए और कश्मीर गए, वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी जीकर इसके बाद जो है अब एक मामला और सामने आया है जो कि वाराणसी से है, जहां पर एक महिला जो है इतनी होशियार है कि जिन्होंने 21 लाख रुपए की ठगी कर ली एक रिटायर्ड कर्नल से, इतना कहकर कि मैं वेरोनिका मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी हूं, एक बार फिर से सरनेम जो है वो इस्तेमाल कर लिया। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NEWS TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।